गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2F, राइट। एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बुक ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, राइट, फ्रॉम ए रिबन विच इज 22 मीटर लॉन्ग, टू पीसेस ऑफ लेंथ 5 होल 1/5 मीटर एंड 3 होल 2/10 मीटर आर कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रिबन। ओके स्टूडेंट्स, मतलब एक रिबन आपका गिवन है जिसकी लेंथ 22 मीटर है, उसमें से टू पीस कट किए जा रहे हैं। वन पीस का लेंथ है 5 होल 1/5 मीटर एंड अनदर पीस का जो लेंथ है 3 होल 2/10 मीटर, राइट। तो रिमेनिंग रिबन का लेंथ क्या होगा, बचेगा, वो आपको बताना है, राइट। तो समझ में क्वेश्चन आ गया होगा स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, जो टू पीस कट किए जा रहे हैं सबसे पहले उनके लेंथ को ऐड कर लो, राइट, जो आए उसे टोटल लेंथ में से माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग रिबन का जो लेंथ होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहां से देखें, टोटल लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 22 मीटर, या लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 22 मीटर, ओके। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू 5 होल 1/5। दिस इज इक्वल टू आपका 25 + 1 = 26 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, राइट। इसको इसी तरह से लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, दिस इज इक्वल टू आपका है इवन है 3 होल 2/10, 3 होल 2/10 गिवेन है, इसे भी आप राइट कर सकते हैं 10 + 30 + 2 = 32 डिवाइडेड बाय 10, ओके। तो टोटल लेंथ ऑफ बोथ पीस टोटल लेंथ ऑफ बोथ पीस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड कर लें 26 / 5 + 32 / 10, ओके। एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा, 5 × 10 = 10, 2 × 6 = 12 + 2 × 2 = 4 + 1 = 5, राइट, प्लस 10 से 10 कट जाएगा 10 × 1 = 10, 32 आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू 52 + 32, 2 × 4 = 5 + 3 = 8 / 10, ओके स्टूडेंट, 84 / 10 आपका आ गया, ओके। नाउ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन, रिबन का टोटल लेंथ 22 मीटर था, टू पीस कट किए गए, तो दोनों पीस को मिला करके जो लेंथ आ रहा है 84/10 मीटर आपका आ रहा है, राइट। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन पूछा जा रहा है, तो यहां पर देखें टोटल जो रिबन का लेंथ है उसमें इनको माइनस करना पड़ेगा, 22 - 84 / 10 कर दें, राइट, देखो 22/1 कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर एलसीएम आपका 10 आ जाएगा, राइट, 1 × 10 = 10, 10 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे 220 आ जाएगा, राइट, माइनस 10 × 1 = 10, अब यहां राइट कर देता हूं आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी,
यहाँ पर देखें 10 तो आपका एलसीएम आ गया, ओके, तो 1 10 10, 10 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे 20 220 आ जाएगा, माइनस 10 1 10 84, राइट, दिस इज इक्वल टू 220 माइनस 84, सब्ट्रैक्ट कर लें तो 0 से 4 सब्ट्रैक्ट करें नहीं होगा, कैरी करेगा 6 में से 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 1 में से 8 नहीं होगा कैरी करेगा, 11 में से 8 आपका 3 आ जाएगा, 1 136 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ओके। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं 13 होल 6 डिवाइडेड बाई 10, ओके ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, दैट मीन्स दिस इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 होल 6 डिवाइडेड बाई 10, इतना मीटर, ओके समझ में आ गया, तो इसे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया ना, चलिए नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, इसे रख कर दे, ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके गिवन है, इफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 8 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। स्टूडेंट इसको मैं आपको फिगर की हेल्प से बताता हूँ, ट्रेपेजियम क्या होता है, इस तरह का फिगर होता है आपका, राइट, इस तरह का, इसमें दिस साइड एंड दिस साइड आर इन पैरेलल, ठीक है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, दिस इज द हाइट, राइट, गिवन है आपका ट्रेपेजियम जो पैरेलल साइड आपकी गिवन है ये है 8 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर, 8 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर ये लेंथ दे रखा है, 6 सेंटीमीटर सेकेंड पैरेलल साइड का लेंथ है, और जो हाइट है, हाइट आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर ये लेंथ, स्टूडेंट्स दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर ये गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको फाइंड आउट करना है, आपको फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट, ओके स्टूडेंट्स ये होता है फॉर्मूला, राइट, अब इसमें सिंपली करना क्या है कि आप वैल्यू पुट कर दें तो 1 बाई 2 इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड, देखें 8 होल 1 बाई 2 प्लस 6 ये पैरेलल साइड है इनका सम कर लिया, इनटू हाइट आपका गिवन है 5, राइट, अब इसे सिंपलीफाई कर लें, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 a to j 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 इनटू 5, राइट, इसे आपको सिंपलीफाई करना है, यहां पे मैं सिंपलीफाई करता हूं, दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 बाई 2 क्रॉस, देखिए ये प्लस है तो 2 6 12 आपका आ जाएगा 17 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, ओके दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 क्रॉस 17 प्लस 12 आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 9 और 1 प्लस 1 2 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, ओके इसे मल्टीप्लाई कर लें, 5 9 45 5 5 2 10 और 4 145 डिवाइडेड बाई 4, ओके तो दिस विल बी एरिया दैट मीन्स 145 बाई 4 मीटर स्क्वायर, इसको होल में अगर राइट करें 4 3 12 4 6 24 1 बाई 4 मीटर स्क्वायर,
This will be answer, students. Okay? समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट करना है. दिस इज द ट्रेपेजियम जिसका पैरेलल साइड का लेंथ 8 होल 1/2 एंड 6 सेंटीमीटर गिवन है. हाइट ऑफ ट्रेपेजियम 5 सेंटीमीटर गिवन है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट. वैल्यू पुट कर दिया, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड 8 होल 1/2 प्लस 6 इनटू 5. इनको सिंपलीफाई कर लीजिए, राइट, और फाइनली आंसर आपका आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लें. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, रब कर दें इसे. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है, इफ बेस एंड द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 9 होल 3/4 सेंटीमीटर एंड 12 होल 1/4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है. यहाँ पे पैरेललोग्राम मैं बना देता हूं इस तरह से. पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इन पैरेलल, बोथ ए बी सी बी इज ए पैरेललोग्राम, राइट. तो इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, इफ बेस एंड द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम आर इतना सेंटीमीटर एंड इतना सेंटीमीटर, राइट. सपोज अगर हम बेस हम बी सी को मानते हैं यहाँ पे, तो ये गिवन है आपका 9 होल 3/4 सेंटीमीटर. ओके, ये लेंथ गिवन है आपका यहां से आकर. देख इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा स्टूडेंट्स आपका, ये होगा परपेंडिकुलर जस्ट इस तरह से. मान लें आपका एम है, एम की हाइट जो है ये आपका गिवन है 12 होल 1/4 सेंटीमीटर. ये है यहां से यहां तक, समझ में आ गया. दिस इज द एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम, बीसी इज द बेस हूज लेंथ गिवन 9 होल 3/4 एंड एम इज एल्टीट्यूड हूज लेंथ गिवन 12 होल 1/4 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपका होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा बेस इंटू एल्टीट्यूड वाई. यहां पे आपका हो जाएगा बीसी क्रॉस एम, राइट. बीसी आपका 9 होल 3/4 इंटू 12 होल 1/4, क्लियर है, इस तरह से हो जाएगा. तो इनको आप चाहें तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 9 4 36 प्लस 3 39 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12 4 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाई 4. ओके, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें. मल्टीप्लाई कर लें 39 का 49 से मल्टीप्लाई कर 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 प्लस 8 तो 35 आपका आ जाएगा. 4 9 36 का 6 4 3 12 3 15 1 6 प्लस 5 11 का 1 5 3 8 9 1, राइट. ये आपका आ जाएगा 1 9 11 डिवाइडेड बाई 4 4 16, ये आपका आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसे आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं. 16 से 1 9 1 1 को डिवाइड कर दें, 1 टाइम जाएगा 16 आ जाएगा, 3 1 अगेन 1 टाइम जाएगा 16, 15 1 ये आपका जाएगा, और अगेन आप देखें ये आप जाएगा 9 टाइम्स. ओके, दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 1 9
सब्ट्रैक्ट कर लें, 16 9 144, 11 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आपका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 119 होल 7 डिवाइडेड बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है, बस इसमें आपको सिंपली गिवन है कि बेस आप पैरेललोग्राम गिवन है एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का लेटर दिया हुआ है, तो एरिया पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, राइट, ये होता है फॉर्मूला। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसको पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इनको हम न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन 16 से इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो आप इस फॉर्म में भी 119 होल 7 बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में स्टूडेंट्स इसे राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके थैंक यू, ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लें।